नमस्कार। किस तरह की प्रॉपर्टी परचेज करें, प्लॉट लें, फ्लैट लें, विला लें, वेयर हाउस लें, एग्रीकल्चर लें, कमर्शियल लें, तो बड़ा कंफ्यूजन रहता है। और आज की डेट में जिस जो बुल बुल रन मार्केट चल रहा है, बहुत स्पीड से मार्केट चल रहा है, जहाँ पे भयंकर तरीके से स्पीड से आपका रेट्स बढ़ रहा है, प्राइस में बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। कोई बिल्डर स्कीम लॉन्च करता है या कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करता है, तो लॉन्च होने के बाद बहुत फास्ट, यानी कोई प्रोजेक्ट कोई टाइम पे 4 साल 5 साल चल रहा है, आज की डेट में 4 से 5 दिन भी बोलूँ या 4 से 5 महीना मैक्सिमम बोल दूँ तो भी आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्योंकि इससे ज़्यादा प्रोजेक्ट अभी है नहीं मार्केट में। प्रोजेक्ट आया, लॉन्च हुआ और वर्क खत्म हो गया, तो इतना स्पीड से मार्केट में चल रहा है, तो लोग कन्फ्यूज बहुत है कि यार मैं प्लॉट लूँ या फ्लैट लूँ या फार्म हाउस। कभी मन में ख्याल आता है यार फार्म हाउस बढ़िया रहेगा, कभी मन आता है एग्रीकल्चर लैंड लूँ, इतने में मेरे को जमीन आ रही है, 100 गज का प्लॉट है या इतने का फ्लैट आ रहा है, इतने जो इतना पैसा 30 40 50 लाख रुपये लग रहा है, इतने में 40 50 लाख रुपये की बीघा में एक जमीन मिल जाए मेरे को। या फिर कभी मन में ख्याल आता है यार कमर्शियल में रिटर्न अच्छे मिलते हैं, 5 से 6% का रिटर्न इजीली, मतलब अच्छा रेंटल यील्ड भी है, सब कुछ है, अप्रिसिएशन बहुत अच्छा है, लोकेशन देखते लोकेशन बहुत बहुत प्राइम लगती है, तो लगता है कमर्शियल प्रॉपर्टी ले लूँ, थोड़ा दूर ले लूँ, ऐसा ले लूँ, बड़ी रोड पे ले लूँ, छोटी रोड पे ले लूँ, तो ऐसा बहुत कंफ्यूज रहता है। फार्म हाउस ले लूँ या जिंदगी शांति से रहनी है, चलो ठीक है थोड़ा आराम से रहेंगे, थोड़ा आउटिंग पे रहेंगे। कुछ लोग पहाड़ों में जाके जैसे मनाली गोवा ऐसी जगह प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, तो बड़ा कन्फ्यूजन है। तो मैं आपको बहुत बड़े लेवल पे रियल एस्टेट में क्लियरिटी देने वाला हूँ, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब ने नहीं किया तो जरूर से करें, क्योंकि आपका सोचने का तरीका बिल्कुल बदलने वाला है। क्योंकि कोई भी डिसीजन जब वो लेना है, तो सही बात है कि आपको पीछे भी देखना, रियर कैमरे में देखना होता है, लेकिन रियर कैमरे से केवल आपको केवल डायरेक्शन मिल सकती है कि यार पीछे से आप गाड़ी चला रहे हैं, आप फ्रंट में चला रहे हैं और देख रहे हैं, तो आपको ज्यादा आगे देखना पड़ेगा। पीछे वाला जो पीछे वाला मिरर वो काम आता है, लेकिन इतना काम नहीं आता, वो कभी ठीक है कभी आपको ओवरटेक करना है, कुछ और करना, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट में यदि आपको डिसीजन लेना है, तो केवल बैक में जो हिस्ट्री चल रही है उसके भी पे नहीं, आपको फ्यूचर में क्या होने वाला है, मार्केट में करंट में क्या है, पहले क्या मार्केट स्थिति थी, अभी मार्केट डिमांड्स क्या है, कमर्शियल यदि कोई आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो क्या एक्चुअल में डिमांड अभी भी उतनी है। तो ये पूरी एक सीरीज बनने वाली है, जहाँ पे आपको हर एक, क्योंकि इस पर एक वीडियो भी बनाता हूँ लगभग 1.5 2 घंटे वीडियो बन जाएगा, जो कि हमारी पेड कंसल्टेंसी से कुछ होता है। तो मैं आपको आज जो कंटेंट देने वाला हूँ वो आपको पेड कंसल्टेंसी में से कुछ कंटेंट निकाल के दूंगा, जो कि बहुत मतलब टाइम फॉर वैल्यू रहेगा, मनी फॉर वैल्यू, इसलिए नहीं कि आपसे पैसा लग नहीं रहा, तो टाइम फॉर वैल्यू रहेगा कि आप जो समय का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसमें बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। प्लस एक आम आदमी को वीडियो इसलिए भी देखनी चाहिए या सीरीज इसलिए भी देखनी चाहिए, क्योंकि किसी भी इंसान का जो सबसे बड़ा रिटर्न देने वाला है, जो सबसे बड़ा आपका आपका जो आइटम खरीदते हो आप किसी भी अपने जीवन के अंदर, अपने जीवन काल में बहुत सारे आइटम खरीदते हो, कपड़े ये वो बहुत सारी चीजें करते हो, लेकिन जो सबसे महंगी चीज आप खरीदते हो तो अपना घर खरीदते हो, रहने के लिए कोई करते हो। मुकेश अंबानी जी इतने बड़े आदमी हैं, उन्होंने बहुत लाखों करोड़ों का बहुत बड़े लेवल बिजनेस कर रखा है, सब कुछ कर रखा है, लेकिन उन्होंने सबसे बड़ा यदि कोई पर्सनल आइटम खरीदा तो अपना घर खरीदा, 3 से 4 हज़ार करोड़ का। तो भले अमीर है गरीब है कोई भी है, अपने जीवन का जो सबसे बड़ा डिसीजन यदि उनका होता है तो उनका अपना घर होता है, तो घर को लेकर बड़ा कंफ्यूजन रहता है भैया, फ्लैट नहीं, नहीं फ्लैट तो लेना नहीं है, छत भी अपनी होनी चाहिए, जमीन अपनी होनी चाहिए। अब आप गुड़गांव बैंगलोर या मुंबई जैसे शहर के अंदर है, तो वहां पे आप मतलब घर के कभी अपने प्लॉट के लिए यदि आप प्लान करोगे तो जिंदगी खरीद ही नहीं पाओगे आप, तो जो जैसी स्थिति है उसके हिसाब से फ्लैट के अपने एक बेनिफिट है, प्लॉट के अपने बेनिफिट है, एग्रीकल्चर लैंड के अपने बेनिफिट है। एग्रीकल्चर हर कस्टमर के लिए नहीं बना, वैसे ही कमर्शियल हर कस्टमर के लिए नहीं बना, हर एक की अपनी रिक्वायरमेंट, अपने फ्यूचर की रिक्वायरमेंट, अपना जो पर्सनल है उसके हिसाब से बहुत सारी बातें डिपेंड करती है, तो डिसीजन भी उसी के बेस पे बनते हैं, तो बहुत सारी बातें डिपेंड करती है। तो ये सीरीज देखने के बाद आपको बहुत बड़े लेवल पे क्लियरिटी आने वाली है कि मुझे मेरे लिए कौन सी प्रॉपर्टी मेरे लिए बेस्ट रह सकती है, मुझे इन्वेस्टमेंट करना है। तो हर एक टॉपिक पे जो भी रियल एस्टेट में जो भी प्रोडक्ट आते हैं, भले आपका फार्म हाउस इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर सब कुछ रहेगा, सब कुछ इसमें कवर रहेंगे, तो सीरीज पे जरूर बने रहना। और आपके इस बीच में कोई कमेंट्स वगैरह हो, जैसे आपके कुछ सवाल हो, कुछ और भी हो, तो जरूर डालना, लाइक जरूर करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह वैल्यूएबल चीज़ें मिलती रहेगी। मिलते हैं फिर सीरीज के साथ। थैंक यू वेरी मच।